तो जय हिंद मेरे भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि अभी चल रहा है, सारे क्रिएटर्स इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। और आई थिंक ये जो टॉपिक है इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम बात करेंगे क्योंकि बातें हो रही है। और सही और गलत को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें और आपको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज से 2-3 महीने पहले जब देश में जनरल इलेक्शन चल रहे थे, तब ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया था, नो कंट्रोवर्सी कैन सेव योर डाइंग करियर। और ये बात आज 100% सही होते हुए दिख रही है। और आज एक वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे गौरव तनेजा को और उसके चैनल को। रजीदीप करके एक बंदा है जिनको मैं 4 से 5 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, इनको देखता हूँ, इनकी बातें काफी ज्यादा लॉजिकल होती हैं, ये काफी ज्यादा फैक्ट्स के साथ अपनी बातों को रखते हैं और लॉजिकल होती हैं इनकी बातें। तो आओ इनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के माइंडसेट को। हेलो जी, इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ट वीडियो होगी और पूरा समझने में लास्ट तक लग जाएगा। तुम लोग ने देखा होगा पिछले कुछ वीक से इंटरनेट के ऊपर फ्लाइंग बीस्ट मतलब गौरव तनेजा और उसकी बीवी रितु राठी के ऊपर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि भैया इन लोगों का डिवोर्स होने वाला है, गौरव तनेजा ने तो रितु राठी पे चीट कर दिया। अब कई लोग ना इनको लॉकडाउन में देखते थे, बहुत प्यारी फैमिली थी, जब राशि पैदा हुई थी तो हम सभी देखते थे भैया है, तो कपल्स भी देखते थे। अब कपल्स ने जब ये रूमर्स देखे, जब इनको पता चला कि भैया इनके फेवरेट ब्लॉगर इतना बढ़िया पति भी कैसे चीट कर रहा रितु राठी पे, तो भैया वो लड़की उसके बॉयफ्रेंड को कह रही रमेश ये लोग तो इतने प्यारे थे फिर भी इन्होंने चीट कर दिया, तुम तो मेरे पे चीट नहीं करोगे। इसीलिए मैं रमेश की बंदी को बताना चाहता हूँ कि ये सभी कुछ पीआर स्टंट है। सोशल मीडिया के ऊपर जब चैनल डाउन जाता है, जब व्यूज नहीं आते हैं, जब ब्रांड प्रेशर हो रहा है कि हमने 2-3 ब्रांड एक साथ खोल दिए पर उन पर कन्वर्जन नहीं आ रहा, तो कैसे एक ब्लॉगर पीआर स्टंट की मदद से ऑडियंस का अटेंशन लेते हैं। और इसीलिए मैं क्रेजी दीप खुद को बेस्ट कॉमेंट्री चैनल ऑफ यूट्यूब कहता हूँ, क्योंकि आज जो मैं ओपिनियन तुमको दूंगा वो तुम्हें किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगे। अब इस चीज को पीआर स्टंट बोलने के पहले मेरे को तुम लोगों को समझानी पड़ेगी पूरी स्टोरी, ताकि जब मैं तुमको अपने प्रूफ दूं तो तुम लोगों को समझ पड़े। अब इस चीज की स्टार्ट होती है गौरव तनेजा मतलब फ्लाइंग बीस्ट के यूट्यूब चैनल से, कि पिछले कुछ टाइम में वो अपने थंबनेल पे अपनी वीडियो के अंदर अपनी बीवी नहीं दिखा रहे थे। उसके बाद एक चैनल जो कि प्रेमानंद जी महाराज का चैनल है ऑफिशियली, उसके ऊपर एक वीडियो आती है जिसके अंदर एक लेडी जो मास्क लगा के रखती है अपनी आइडेंटिटी हाइड करती है और वो गुरु जी से पूछती है अपने मैरिड लाइफ के बारे में कुछ सवाल, जिसके बाद ये रूमर्स फैलने लग जाते हैं कि ये औरत तो रितु राठी है और भैया फ्लाइंग बीस्ट और रितु राठी का तो डिवोर्स हो रहा। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अब की अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी के आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ, श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परीक्षण करना चाहिए? ऐसा लगता है यदि मैंने दूसरा मार्ग लिया तो मेरी श्री जी का आश्रय छूट जाएगा। नहीं नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। ऐसा नहीं कि आश्रय लेके चुपचाप बैठ जाओ, कोई साधु महात्मा नहीं हो, गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसके। अ पॉइंट टू बी नोटेड जनता महोदय, ये जो औरत थी इस फोटो से क्लियर हो गया कि रितु राठी है। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को बताया कि उनके पति ने उनके साथ छल और कपट किया है। उन्होंने उसके अंदर ये भी बताया कि उनके पति से अभी दूर रह रही है, विच इज ट्रू, क्योंकि काफी टाइम से ब्लॉग के अंदर रितु राठी दिखी नहीं। उसके बाद क्या भैया, इंटरनेट की ऑडियंस को मसाला बहुत पसंद है, तो उन्होंने अनुमान लगा दिया कि भैया इन दोनों का डिवोर्स हो रहा। यूट्यूब के ज्ञानियों ने तो एक थ्योरी भी दे दी कि गौरव तनेजा ने तो भैया चीट करा। फिर क्या भैया, सोशल मीडिया की जो जनता है ना वो सारी भरी बैठी है, सबको डिप्रेशन है, सब परेशान है, उनको चाहिए टारगेट अपना गुस्सा निकालने के लिए, उनको मिल गया। तो उन्होंने गौरव तनेजा को भर भर के गालियां दी, नेगेटिव कमेंट दिए, ट्विटर पे ट्रेंड कर दिया कि भैया हम तो रितु राठी के साथ हैं, अब तेरी तो फाड़ दे। फिर गौरव भाई ने पोस्ट डाली, पोस्ट पे लिखा था जोई जोई प्यारो करे तोई मोहे भावे। उसके नीचे जो कैप्शन था वो पढ़ने लायक है, उसके अंदर गौरव ने अपना साइड रख दिया, भाई आई विल रिमेन फाइट फॉर माई किड्स एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड। यहाँ से तुमको एक बात समझ में आ गई कि उन्होंने बीवी नहीं बोला, उन्होंने बच्चों की माँ बोला, तो लोगों को लगा भाई कुछ तो गलत। Ready to live with all the negativity and hate for my entire life. उन्होंने ये भी बता दिया कि भैया ये तो अब जिंदगी भर गालियां पड़ेगी मेरे को। Please don't expect any public explanation. तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल दिया कि भैया मेरे से तो कुछ explanation नहीं देना। उसके बाद उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि please stop making any assumption. तो यहाँ पे मैं गौरव तनेजा से कहना चाहूंगा, जब आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो ही है कि भैया मेरी बीवी की डिलीवरी हो रही और उस टाइम के अंदर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आपने जब उस टाइम अपने व्यूअर्स को कहा कि आप तो हमारी ऑडियंस है, आपके साथ
साथ हम सब कुछ शेयर करते हैं, तो ऐसे टाइम पे फिर ये लोग एजम्पशन भी ना लगाएं। उसके बाद जो गौरव ने लिखा है वो तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वही मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन आर मेड विलन वेरी फास्ट, वी डोंट क्राई, वी टॉक लेस एंड एक्सप्रेस लेस, सम ऑफ अस आर हार्ड वायर्ड लाइक दैट। यहाँ पे गौरव भाई ने ऑडियंस के दिमाग में बिठा दिया कि हम मर्दों को तो भैया क्रिमिनल विलन बहुत जल्दी बोल दे जनता। बट उसके बाद जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है वो है होपफुली एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड सुन। इस पूरी पोस्ट में दो चीजें जो मेरे को लगी कि तुम लोगों को नोटिस करनी चाहिए, पहली कि भैया मुझे मतलब मर्दों को इजीली विलन मत बनाओ, और दूसरी कि ये सब बहुत जल्दी सॉर्ट हो सकता है। इस पोस्ट के कमेंट डिसेबल कर दिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि कमेंट सेक्शन को पढ़ के किसी थर्ड पर्सन का माइंड मैनिपुलेट हो। अब यहाँ पे भैया यूट्यूब की जनता को मिल गया मसाला कि गौरव भाई ने बोल दिया है कुछ तो है, मतलब लफड़ाया भाई। इसके बाद उस मसाले में आग लगाने का काम किया ऋतु राठी ने अपने पेज पे ये वीडियो डाला। अरे राम 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 राम, पारा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। एक वीडियो भी विद हिडन आइडेंटिटी विद सम पर्सनल क्वेश्चंस आस्क्ड। ओके, वाज दैट मी? यस, बट सम पीपल नीडेड तड़का। मेरे फेस को जूम इन कर करके, ओह That's her. Oh, that's her voice. Oh. पहली चीज, आप पिछले साल एक साल पहले भी गौरव सर के साथ वहाँ पे गए थे, वीडियो बनी थी, उनके चैनल पे आई थी। इम्पॉसिबल है कि आपको पता नहीं होगा कि वहाँ पे कैमरे लग रहे हैं, इसीलिए आप मास्क लगा के गए थे। तो आप जब वहाँ पे जाते रहते हो आप ये क्वेश्चन पर्सनली कैमरा बंद करवा के भी पूछ सकते थे। अब भाई तुम लोग बोलोगे कि यार दीप यार तू पागल है क्या? भाई ये वो कपल है जो ओबामा से मिल के आए, ये वो कपल है जो फिन फेस्ट में जाते हैं, ये वो कपल है जिनको आए दिन बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाया जाता है। तो मैं मान नहीं सकता कि इन लोगों के कहने पे वो लोग कैमरा बंद करके पर्सनली गुरुजी से बात नहीं करवाते। खैर, दूसरा सवाल ऋतु जी, मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जब आप कंटेंट डालते हैं एंड आप ऑडियंस के बीच में अपनी जब बातें रखते हो उसमें एक फर्क होता है। जब आप कंटेंट डालते हो ना तो आप मेक श्योर करते हो कि इसके अंदर कुछ गलत डिलीवर नहीं हो जाए, आप मेक श्योर करते हो कि भैया इसके अंदर ना बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए सिचुएशन के साथ जो बैठे। तो इस वीडियो के अंदर भी आपने क्रीपी इमोशनल सा एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया। अब जो लोग ऑडियंस है, मैं तुम्हें बता दूं कि जब बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जाता है तो उसको जब टाइमलाइन के नीचे फिट करते ना तो उस पे क्लिक करके उसकी वॉल्यूम भी डाउन करनी पड़ती है ताकि जो आप बोल रहे हो उससे ज्यादा वॉल्यूम ना हो, मैसेज खराब नहीं होना चाहिए। तो जब तुम वीडियो को देखते हो उसकी वॉल्यूम को कम करते हो, फिर उस पूरे वीडियो को देखते हो कि हाँ सब कुछ सही है, उसके बाद उसको पोस्ट करके डालते हो, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन जब आप डिवोर्स लेने वाले हो, आपके साथ पंगा हो रहा है, आपके पति को हेट पड़ रही है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं और आप एक मैसेज देना चाहते हो, उसके अंदर आप इतना एडिट करके वीडियो को डालोगे। ये मेरा वो पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो, क्योंकि जब मैं पीआर स्टैंड वाली बात करूंगा तब तुम्हारे काम में आएगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। सो सम फैक्ट्स। एम आई अबलानारी? नो, आई एम नॉट। रियलिटी चेक। The maid who comes to your house? मैम डराने वाली क्या बात है, मतलब प्यार से बात कर लो ना यार मैम। वो अबला नारी है। ओके। उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुए हैं। मैम मैं एक आपको एक रियलिटी चेक दे देता हूँ, ठीक है? मैंने वीडियो पहले देख रखी, तुम लोगों के लिए चला रहा हूँ। अबला नारी काम वाली बाई नहीं हो, काम वाली बाई से ज्यादा हिम्मत वाली और कोई औरत है ही नहीं, क्योंकि उसका पति अगर उसको मारता है तो उसके अंदर गट्स हैं कि वो उसके पति की कॉलर पकड़ के घर के बाहर निकाल के उसको कॉल आउट करे, पूरे मोहल्ले के सामने उसको मारे। अबला नारी वो हुई जिसने प्रेमानंद जी महाराज के सामने कहा कि मेरे पति ने मेरे साथ छल कपट किया है, लेकिन अब सोशल मीडिया पे जब उसके पति को गालियां पड़ रही है तो वो उसके पति को डिफेंड करने के लिए पूरी वीडियो बना रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उसके मन में ये है कि क्या पता मुझे अपने पति के पास वापस जाना पड़ जाए, क्या पता ये एक पीआर स्टंट हो, मेरे को वापस जाना पड़े, लेकिन जिंदगी भर मेरे पति को गालियां पड़ेगी तो अब उसकी इमेज क्लीन करनी पड़े। लेकिन अगर ये पीआर स्टंट नहीं भी है ना तो आप कहीं ना कहीं अपने पति पे डिपेंडेंट हो कि मेरे को उनके पास अगर वापस जाना पड़ा तो सोसाइटी, ये समाज, ये सोशल मीडिया गालियां देगा जिंदगी भर, और आपकी जो डिपेंडेंसी है ना, जो आप सेव कर रहे हो गौरव तनेजा को अभी, ये अबला नारी में काउंट होगा, ना कि वो काम वाली बाई जो खुले आम अपना काम करती है, अपने पति को अपने परिवार को खिलाती पिलाती है और वक्त आने में उसको कॉल आउट भी कर देती है। सही मायने में ये है रियलिटी चेक। एंड आई रियली विश कि आप उसके घर पे जाओ और उसकी
इश्यूज रिजॉल्व करती। नहीं यार, वो औरत अपने घर का ड्रामा कभी सोशल मीडिया पे बताती ही नहीं है, ना वो व्लॉग बनाती है, ना हमारे साथ आके कुछ डिस्कस करती है, तो हम कोई नहीं होते उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। लेकिन ये चीज आपके साथ नहीं बनती। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो एक फैमिली व्लॉगर को मिलता है वो यही है कि आपकी पर्सनल लाइफ जो आपने पैसे कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए ऑडियंस को बेची थी, अब ऑडियंस आपकी लाइफ में इंटरफेयर करती है, और ये चीज कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए थी। प्रजक्ता महोदय, पॉइंट टू बी नोटेड, इस वीडियो के अंदर इन्होंने सबसे पहले कंफर्म किया कि ये जो लेडी थी वो यही थी। उसके बाद रितु मैम ने उनके फैंस को ही ब्लेम कर दिया कि भैया तुम हमारी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। वही फैंस जिन्होंने जब देखा कि रितु मैम परेशान है, ब्लॉग में नहीं आ रही है, प्रेमानंद जी महाराज के पास कह रही है कि भैया छल कपट हुआ है, उनके लिए सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे थे। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल इन सारे फैमिली ब्लॉगर से कि भैया मुझे कैसे पता कि आपके फ्रिज में अंडे किस साइड रखे, आपके फ्रिज में कौन कौन सी सब्जियां है, भाई मुझे कैसे पता कि राशि की फेवरेट ब्लूबेरी है। जबकि भैया हम ऑडियंस को हमारे छोटे भाइयों के बारे में नहीं पता कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लेकिन आपके बेटे बेटियों के बारे में हमें सब पता है कि कौन से स्कूल में जावे, कैसे बोले, क्या बात करे, क्या खाने में पसंद है, इन्होंने कल क्या खाया। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग इनको गाली दे रहे हैं, हेट कमेंट कर रहे हैं, मैं उस चीज को जस्टिफाई कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से ये लोग डील कर रहे हैं वो बहुत ही यूनिक है। ये पहली बार हो रहा है कि भैया एक बहुत ही प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ब्लॉगर के घर में कुछ कलेश हो रहा है और उनको पता ही नहीं है कि भैया रिएक्ट कैसे करना है। उनकी जनता जो इस कपल ब्लॉगर से बहुत ही अटैच्ड है, इनका लो टाइम देखा है, हाई टाइम देखा है, उनको भी नहीं पता कि यार हम रिएक्ट कैसे करें। तो इस सिचुएशन में बेटर यही होता कि आप दोनों रिएक्ट करते ही नहीं। लेकिन पॉइंट तो यही है जनता की, अगर लास्ट में मेरा पॉइंट सही हुआ पीआर स्टैंड वाला, तो रिएक्ट करना तो जरूरी था। लेकिन पॉइंट ये भी है कि जो ऑडियंस है वो इनकी 24 घंटे की लाइफ में से सिर्फ 10-15 मिनट की ब्लॉग देखती है, तो उनको लगता है कि भैया हमको तो इनके बारे में सब पता। और जो ब्लॉगर रहते हैं वो अपनी पूरे दिन में से 15 मिनट जो हैप्पी मोमेंट है, जिस मोमेंट पे उनको व्यूज आएंगे, जिस मोमेंट को उनको लग रहा है कि हाँ भाई ये कैप्चर करके डाला जा सकता है, वही डालते हैं। वो बात अलग है कि इनकी ऑडियंस को भी देखना है कि यार ये 15 मिनट को छोड़ के भैया ये जो ब्लॉगर हैं ये कैसे बात करें, क्या चल रहा है, क्या मिर्ची मसाला। और ये कई बार ये जो ब्लॉगर होते हैं ये इनके थंबनेल पे ना टीज करते हैं ऑडियंस को चीजें दिखा के। पर वही बात है भाई, जब तक व्यूज आ रहे थे, फेम आ रही थी, ब्रांड मिल रहे थे, तब तक ये टीजिंग बढ़िया थी क्योंकि ऑडियंस को मजा आ रही है, इनको मजा आ रही है। लेकिन सिचुएशन जैसे ही पलटी, अब भाई इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, अब तो nope. पड़ गई भाई, क्योंकि पिछले कई टाइम से थंबनेल और वीडियो के अंदर रितु मैम नहीं है, तो ऑडियंस पूछ रही थी कि यार रितु मैम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि यार ये एयर क्रू में है तो शायद बिजी होगी। लेकिन जैसे ही प्रेमानंद महाराज का वीडियो आया, सारे वीडियो के नीचे कमेंट चले गए कि अच्छा भाई गौरव भाई अब समझ में आया भाई कि काई को नहीं दिख रही मैडम उधर, तो इन लोगों ने कमेंट करके अजम्पशन लगाना इसलिए शुरू कर दिया। अब आएगी भाई एक इंटरेस्टिंग बात, तुम लोगों ने कभी ना कभी सोचा होगा कि इतने सारे फैमिली व्लॉगर्स हैं और सबको मिलियन में व्यूज क्यों आते हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि क्यों हम लोगों को दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ब्लॉगिंग की ओरिजिन शुरू हुई थी साइंटिस्ट से, जब वो अपने किसी एक्सपेरिमेंट या प्रोजेक्ट पे काम करते थे और उनको डेली लाइफ अपडेट चाहिए होते थे उससे रिलेटेड, तो उन्होंने उसको रिकॉर्ड करना, फिल्म करना स्टार्ट कर दिया। ये करने का पर्पस था कि वो डेटा अपने पास रखे, बाकी लोग भी उसको देख सके और कुछ सीख सके। लेकिन बिकॉज ऑफ यूट्यूब अब ये चेंज हो गया भैया डेली व्लॉगिंग में, कॉन्टेंट में। अब जिन लोगों को नहीं पता था, लाइक और सब्सक्राइब करो, ऐसा नॉलेज फ्री में लेने का, सब्सक्राइब करने का भाई। अब मैं अपने लास्ट मुद्दे पे जाने के पहले गौरव तनेजा की हिस्ट्री डिस्कस करूंगा। पहले वो रह चुके IITian, मतलब काफी स्मार्ट है। दूसरी चीज कि वो बॉडी बिल्डर भी रह चुके हैं, काफी स्ट्रॉन्ग भी है। तीसरी चीज कि वो पायलट रह चुके हैं, मतलब इस चीज से तुम्हें समझ में आएगा कि बंदा स्मार्ट है, उसमें डिसिप्लिन है और उसमें कुछ भी करने की चाह है। पहले उनका फिटनेस से रिलेटेड चैनल था, लेकिन एज अ साइड हसल उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। उन्होंने जब रितु राठी को इंट्रोड्यूस करवाया अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ, तो भैया व्यूज आ गए। उसके बाद जब राशि हुई, उन्होंने अपनी बच्ची से यूट्यूब फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया, तब तो भैया उनका चैनल फट गया चारों तरफ, बस फैन फॉलोइंग भाई, यो हनी सिंह से लेके ओबामा तक चर्ची चर्ची हो गए भाई। मतलब ऑडियंस उनको कितना प्यार करती थी, इस बात का अनुमान तुम इस चीज से लगा सकते हो कि एक ब्लॉगर ने एक गेमिंग चैनल स्टार्ट किया मजाक में, उस पे एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन उसके बाद गौरव भाई ने कुछ बीटी दी, जैसे पहली कंट्रोवर्सी एयर एशिया वाली, उसके अंदर उनकी यूट्यूब आर्मी ने उनको बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ गलत बीटी ली, जैसे धोनी की साइकिल, गौरव भाई याद है क्या मतलब। पर वैसी कंट्रोवर्सी के अंदर यूट्यूब आर्मी ने चाहे गाली दी, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक ही शख्स था और वो थी उनकी वाइफ रितु राठी। यूट्यूब लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ गए, लेकिन एक पर्सन जो उनके साथ हमेशा रहा वो थी उनकी वाइफ रितु राठी। और ये पॉइंट मैं इसलिए तुमको बता रहा हूँ क्योंकि अब जो अगला सेगमेंट आ रहा है उसके लिए बहुत जरूरी था।
ओके, ये सेगमेंट थोड़ा सा सीरियस है। पहली बात कि गौरव तनेजा जो है वो काफी स्मार्ट पर्सन है। स्मार्ट पर्सन जानता है कि भैया अभी चल क्या रहा है, वो समय के साथ चलना जानता है। अभी के टाइम पे अगर सोशल मीडिया पे किसी को ग्रो होना है तो उसको टैलेंट की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है टैलेंट मैनेजमेंट की, एक पीआर टीम की, जो कि ऑब्वियसली गौरव भाई के पास है। जैसे शॉर्ट्स आए यूट्यूब पे वो शॉर्ट्स पे एक्टिव हो गए, रील्स पे वो लोग एक्टिव है। गौरव भाई हर वो पॉइंट जिस पे उनको व्यूज आ सकते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई हो, वो उस टाइम पे उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, लेकिन वहां पे ट्राइपॉड लगा के पहले पंचर वाला शॉट भी रिकॉर्ड किया, क्योंकि उस व्लॉग पे तो भैया व्यूज आने थे। इन सब चीजों को अपने माइंड में रख के मैं ये बोल सकता हूँ कि गौरव भाई को पता है कि पीआर एजेंसी पीआर स्टंट काम कैसे करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर रितु मैम के साथ बुरा हुआ है तो तुम लोग देख सकते हो कि पिछले कुछ टाइम में उनके ना थंबनेल पे रितु मैम है, ना वीडियो में रितु मैम है, लेकिन जो लास्ट व्लॉग थी गौरव तनेजा के चैनल के ऊपर उसका पहले टाइटल था कि बेस्ट फैमिली ट्रिप। फिर लोगों ने बोला कि भैया बीवी के बिना कैसी फैमिली ट्रिप, तो फिर उसका टाइटल अभी चेंज हो गया। लेकिन उस ट्रिप के दौरान गौरव तनेजा ने अपनी इंस्टाग्राम पे उस ट्रिप से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाली है, और उस वीडियो के अंदर मेरे को एक ऐसी वीडियो मिली जिसके अंदर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको रितु मैम की आवाज साफ सुनाई देगी। नहीं करेगा, नहीं करेगा भाई, क्योंकि मैंने मैम को डॉल्फिन ने गीला कर दिया, डॉल्फिन अच्छी होती है। सिर्फ मैं नहीं, काफी सारे लोगों ने नोटिस किया कि भैया वीडियो के अंदर जो आवाज आ रही है वो रितु मैम की ही है। अब तुम लोग खुद ही सोचो भैया कि जब रितु मैम के साथ इतना बुरा किया है कि उनको प्रेमानंद जी महाराज के सामने जाके बोलना पड़ गया कि चल कपट हुआ है मेरे साथ, अब मैं क्या करूं। उस बीच अगर रितु मैम उनके साथ में थी ट्रिप पे तो भैया क्यों नहीं आया वो वीडियो के अंदर, क्यों थंबनेल के ऊपर उनको नहीं दिखाया गया। इसका मतलब क्लियर है कि दोनों कपल ये नहीं चाहते थे कि इंटरनेट पे ऑडियंस इनको अभी साथ में देख ले। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही लोगों के मन में क्यूरियोसिटी शुरू हुई कि यार रितु मैम व्लॉग में नहीं आ रही, तभी सडनली एक ऐसी जगह से वीडियो लीक होती है जहां पे इन दोनों कपल्स को पता था कि कैमरे होते हैं। अगर यहां पे मैम ने ऐसी बातें बोली तो इंटरनेट के ऊपर गॉसिप तो बन जाएगी। ओके भाई, इनके प्लान के अकॉर्डिंग ये हो गया, इंटरनेट पे गॉसिप शुरू हो गई, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता था कि पब्लिक इस तरीके से रिएक्ट करेगी कि गौरव भाई को तो भाई सीधे चीटर बोल दिया। उस हेट से बचने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए गौरव और रितु राठी की जो पोस्ट वीडियोस है उसके अंदर कुछ सिमिलरिटी थी। पहली सिमिलरिटी, इन दोनों ने इस चीज को हाईलाइट किया कि भैया मेंस को तो मर्दों को तो इजीली विलन बना दिया जाता है। दूसरी साइड रितु मैम ने भी ये बात क्लियर कर दी कि भाई मैं उस मर्द के साथ 10 साल रही हूं, तो तुम लोग मेरे को मत बताओ कि वो चीटर है, वो कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। वो वीडियो मेरे हिसाब से सिर्फ इसीलिए बनाई रितु मैम ने इमोशनल म्यूजिक वीडियो लगा के कि वो डैमेज कंट्रोल कर पाए कि भाई गौरव तो यार अच्छा आदमी है, इतना बुरा नहीं है, तुम मत बोलो उसको बुरा भाई, मैं बोल के आई हूँ वो ठीक है, लेकिन तुम लोग उसके बारे में गलत मत बोलो। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पीआर स्टंट है, वो है कि इन दोनों लोगों की पोस्ट के अंदर एक और सिमिलरिटी थी, जो थी कि होपफुली ये सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। कितनी कमाल की बात है ना कि अगर ये पीआर स्टंट होता तो एंड में इन दोनों को साथ में आना है, लेकिन साथ में आने के लिए मर्द की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, तो दोनों ने डैमेज कंट्रोल किया है कि भैया मर्द खराब नहीं है हमारा। और जैसा कि हो सकता है कि एक चैनल जिसपे कभी मिलियन में व्यूज आते थे लेकिन अभी सडनली 3-4 लाख की व्यूज आ रहे हैं, उसके ऊपर अगर अब ये दोनों साथ में बैठ के वीडियो बनाए कि हमारा मैटर सॉल्व हो गया, तो इनका ब्लॉगिंग करियर को एक रिवाइव नहीं मिल जाएगा। इनके पुराने ब्लॉग जिन पे व्यूज नहीं थे सडनली पिछले वीक में बहुत ज्यादा व्यूज आने लग गए। इनके शॉर्ट जो इनने ब्लॉगिंग चैनल पे डाले थे पुराने साथ में, उस पे सडनली व्यूज आने लग गए। मतलब अगर ये पीआर स्टंट भी होता ना भाई तो फायदा सेम ही होता गौरव भाई। लेकिन एक पॉइंट जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद पीआर स्टंट नहीं हो सकता है, वो है कि रितु मैम गई थी प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम। अगर वहां पे जाके इन्होंने अपना पीआर स्टंट किया है तब तो मुझे लगता है कि इवन ऑडियंस इनको माफ कर देगी, लेकिन फिर कुछ नहीं होने का भाई, क्योंकि पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज तो यार भगवान स्वरूप ही है, और इसीलिए मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब इन लोगों ने ही पोस्ट डाल दी, इनकी ज्यादातर ऑडियंस को अब इसके बारे में पता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर दूं। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मेरी थ्योरी है, क्योंकि जितना मैं इन कॉन्टेंट क्रिएटर्स को, इन इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है। बाकी भाई तुम लोगों के ओपिनियन क्या है तुम कमेंट्स कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये पीआर स्टंट ही है, गौरव भाई प्लीज लीगल नोटिस मत भेज देना। बाकी आई गेस टॉपिक पे ही अभी तक की बेस्ट वीडियो होगी, तो यार लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करना, मजा आएगा, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा ओपिनियन। और हाँ, कमेंट करके बताना कि भैया टीजर जो है वो कौन सी तारीख को डाला जाए, जिस कमेंट सबसे ज्यादा लाइक होंगे उस तारीख को हम टीजर डालेंगे। ठीक है, बाय।
एंड में दो तीन लाइनें मैं खुद से ऐड करना चाहूंगा इस टॉपिक के ऊपर कि यार पहले जो डाइवोर्स होते थे वो म्यूचुअल कंसेंट से होते थे, एडल्ट्री के कारण हो जाते थे, क्रुएल्टी के कारण होते थे, या फिर मेंटल हैरेसमेंट के कारण होते थे, फिजिकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण होते थे। लेकिन करंट में ये चीजें और आगे बढ़ चुकी हैं और आजकल लोग ने कुछ व्यूज के लिए और कुछ सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करने के लिए या फिर सिंपैथी गेन करने के लिए इन चीजों को यूज कर रहे हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले पूनम पांडे का केस सुना होगा, उसने पीआर स्टंट करके कैसे एक दिन में अपने आप को डेड कर लिया था और दूसरे दिन न्यूज में आने के लिए फिर से वो आती है और बोलती है नहीं मैं तो अभी जिंदा हूँ। अपने आप को फेमस करने की टेक्निक्स हैं जो कि आजकल के इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स यूज कर रहे हैं। इन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जो ऑडियंस है जो हमें देखती है उनके मन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं वो लोग भी तो ऐसे ड्रामे नहीं करने लगेंगे। ये चीज इन लोग को सोचना चाहिए लेकिन नहीं। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, Titans out.